यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ जनता तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, ये देखने वाला शायद कोई नहीं, जिसके चलते गरीब परेशान हैं। अधिकारी से लेकर प्रधान अपनी जेब ही गर्म करने में जुटे हैं। रायबरेली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मामला हरचंदपुर विकास खंड के नंदा खेड़ा गाँव का है। एक लाभार्थी के आवास के लिए पैसा उसके खाते में आया, लेकिन प्रधान के पति अनिल ने पूरा पैसा निकालकर अपने कब्जे में कर लिया, ये आरोप है, और आधा आवास बनाकर छोड़ दिया गया, जिसके चलते अब परिवार आधे अधूरे आवास पर झुग्गी बनाकर रखने को मजबूर है। और इस बारे में कई बार प्रधान पति से ये कह चुका है, लेकिन प्रधानपति अनिल हर बार टाल मटोल कर उसे वापस भेज देता है। जब इस बारे में प्रधानपति अनिल से बातचीत की गई तो उसने कहा कि 6 महीने में दूसरी किस्त आई थी, जिसके चलते छत नहीं बन पाई है और दूसरी किस्त आ गई है, कल या परसों से काम शुरू करवा दिया जाएगा। विगत वर्ष के लगभग 25,000 आवास इस जनपद में थे प्रधानमंत्री आवास योजना से, जो अधिकतम बन गए हैं। जहाँ शिकायत पाई गई वहाँ पर कठोर कार्रवाई की गई है, वहाँ पर FIR भी की गई है, वसूली भी कार्रवाई की गई है। अगर कोई प्रकरण फिर भी प्रकाश में आता है उसके हम जाँच कराएंगे। अगर पैसे को किसी ने भी उसका दुरुपयोग किया है तो उसके विरुद्ध भी FIR खड़ा करो, आवश्यकता नहीं करेंगे।